आज थी अक्षय तृतीया, और मैंने सोचा कि मेरी दोनों बेटियों के कानों में ऐसे मैंने खोल करवाने हैं, तो मैं क्यों ना जाके करवा के आऊँ। और हनी, तो आप सोचेंगे कि मेरी हनी 16 साल की हो गई है, सेकेंड ईयर में पढ़ रही है, तो अब उसने कान में ना ऐसे होल करवाए हैं, और वो आने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने बोला नहीं हनी, जाएंगे, अब बहुत हो गया तुम्हारा, अब तो जाना पड़ेगा तुम्हें। तो फिर मैं इसे खींच के लेके आई। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे कान में कुछ भी नहीं है, मगर कॉलेज में लड़कियां बोलती हैं हनी तू क्या लड़कों की तरह रहती हो, कान में कुछ ना कुछ तो डलवा ले। तो आज हनी मेरे ऐसे आ गई, हड़के चढ़ गई बोलते हैं ना पंजाबी में, वो तो मैं ऐसे खींच के ले आई थी। तो देखे बैठी डर रही थी, हनी को कुछ भी हो जाए ना ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। आज उसे शर्म आ रही थी तो आराम से बैठ गई, पेन भी हो रही थी मगर चुपचाप बैठ गई। नहीं तो इसे कुछ हो जाए ना तो फिर इसकी आवाज़ जो निकलती है मुझे मुझे ही मालूम है। तो देखे जी हो गया, वो भैया भी बहुत अच्छे से कर रहे थे, मगर ना एकदम नाप तोल के वो कान के इधर उधर एक स्केल लगा के फिर कर रहे थे। और हम लोग आए थे कल्याण ज्वेलर पे, ये सेकंड फ्लोर पे थे हम लोग, और नीचे तो आज बहुत रश था। तो देखिए जी, आज हमारी हनी भी लड़की बन गई कान में डलवा के। 16 साल हो गए हैं, मुझे तो लग रहा है डालेगी नहीं, डायरेक्ट शादी वाले दिन ही डालेगी। तो ठीक है, जब जब जिस चीज़ का टाइम आता है ना तब भी करना चाहिए, और ज़बरदस्ती भी क्या है। उसे बचपन से कभी शौक आया ही नहीं। और भैया ना वो जो निशान लगा रहे थे ना, इतना नाप तोल के कर रहे थे ना, तो एक स्केल था उनके पास छोटा सा। तो मैंने बोला भैया मुझे भी बहुत तजर्बा है, तो मुझे मेरी मकैंजल के ऊपर मैं निशान लगा देती हूँ फटाफट। तो मैंने जल्दी जल्दी अपना तजर्बा इस्तेमाल किया और मैंने लगा दिया एकदम। और ये सब छोटे छोटे काम करने में मैं भी बहुत माहिर हूँ, जो मुझे पहले से जानते हैं। तो फिर उन्होंने छोटे से स्केल के साथ नापा और बोले वाह मैडम, आपने तो बहुत अच्छा कर दिया, एक सेकंड में ही एकदम करेक्ट आपने निशान लगा दिए। तो फिर क्या हुआ, मकैंजल को भी कान में डलवा दिया मैंने। और ये साथ मैं आपके क्यों शेयर कर रही हूँ, कभी छोटे छोटे बच्चियों को भी ना, 1 ईयर्स की बच्चियों को भी लोग कान में होल करवा देते हैं, मगर मैंने भी अपनी बड़ी बेटी को ऐसे ही करवाया था, मगर इनका देखिए अब टाइम आया है। बहुत टाइम से सोच रहे थे करवाना है करवाना है, ऐसे कैंसिल हो जा रहा था, और ये लड़कियाँ भी नहीं मान रही थी, दर्द होगा दर्द होगा। आज मैंने बोला कि चल आ जाओ, आज अच्छा दिन है करवा लो। ये तो मुझे मार रही थी क्यों करवा रही हो, मगर फिर भी मैंने बोला कि तू करवा ले। तो आज इसकी वीडियो बनाई है मैंने और रखूँगी संभाल के पूरी ज़िंदगी। ये लोग देखेंगे कि कान हमने पहले दिन कब करवाए थे और कौन सी डेट को करवाए थे। ऐसे 2 दिन हो गए हैं, अक्षया तृतीय बोलते हैं ना, जो एक फेस्टिवल आया था अभी, वो उस दिन मैंने करवाए थे, और आज थोड़े ज़्यादा ही दिन हो गए हैं। तो आज मैंने सोचा कि वीडियो डाल देती हूँ, और ऊपर से है हॉलीडेज़ और ये लोग घर पे क्या क्या खिचड़ी पका रहे हैं, तो ठीक है, इनके साथ अच्छा टाइम पास भी हो रहा है, और कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, पूरा दिन चैं चैं करती हैं। स्कूल में थोड़ा अलग है सिस्टम। और आपकी बेटियाँ, जब आप वो बोले कि हमारे कान में ऐसे होल करवा दो तब करवाइए, क्योंकि ये लोग जब आवाज़ निकालें तभी काम करना चाहिए, खुद पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी भी मर्ज़ी चलनी है ना, पूरा ज़िंदगी लोगों की मर्ज़ी चलनी है, और लड़कियों की मर्ज़ी, खुद उन्होंने को क्या अच्छा लग रहा है, वो क्या करवाना चाहती हैं वो करवा के देना चाहिए, ना कि बस अपनी ही मर्ज़ी, मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, ये सब तो पूरी ज़िंदगी चलना है। अब इनकी मर्ज़ी थी, इन्होंने नहीं करवाए तो ठीक है, अब वो बोल रही हैं करवानी है, देखिए रो रही है, तो अब ठीक है अब करवाएंगे। हर बार अपनी मर्ज़ी करना और जो मैं बोल रहा हूँ वही करो, वो भी ठीक नहीं है, और कभी कभी वो सब भी सुनना पड़ता है कि हाँ तू जो बोल रहा है वही होगा। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कम सुनी है किसी की, अपनी ही की है।